हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को शेयर कर लीजिए। ये चल रहा है हमारा नर्सरी का काम। ये हम नर्सरी खोद रहे हैं अभी। तो नर्सरी में हैं 2 साल के हमारे रॉयल के पौधे हैं, फैदर प्लांट है। 3 साल के फैदर प्लांट खोदने में बहुत टाइम लग रहा है। बहुत गहरी जड़ें हैं क्योंकि बारिश कम हुई थी, तो आज तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। पिछले कल जो है बारिश काफ़ी कम थी, सुबह भी कम थी, सुबह के टाइम धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए गेंती से भी खुद नहीं रही हमारी नर्सरी। रॉयल के फैदर प्लांट चाहिए होंगे तो कॉन्टेक्ट करें, ज़्यादा नहीं है पर 2-4 दिन में बिक जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मेरे HP के ही सब्सक्राइबर हैं, बाहर के बंदे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पौधों की और नर्सरी की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। बाकी बर्फ का ब्लॉग आपको कल डालेंगे, बर्फ का ब्लॉग तो अच्छा बनेगा शायद। तो ये है देखो किस तरह से खोदने पड़ते हैं नर्सरी, बहुत मेहनत लगती है। उसके बावजूद भी जो है जड़ अधूरी ही आती है, अधूरी पूरी नहीं निकल पाती है। ये देखिए क्या करें, अब देखते हैं कितनी निकलती है जड़। बहुत जोर लगता है, ताकत लगती है, पर उसके बावजूद भी जो है ये नर्सरी उखाड़ रहे हैं हम। वर्मा नर्सरी की, जयराम वर्मा जी की नर्सरी उखाड़ रहे हैं हम लोग। खोदने वाले चुनीलाल वर्मा जी है। बहुत मेहनत ज़्यादा लग रही है, क्या करें अब, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है पेड़ और जड़ बहुत गहरी है इसकी। 3-3 आदमी का जोर लग रहा है पर क्या करें, 3-3 बंदे जो है उखाड़ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए कितने गहराई में खोदना पड़ रहा है। तो उसके बावजूद भी जो है ताकत अलग से लग रही है 3-3 बंदों की। अरे क्या बात, क्या बात, देखिए बढ़िया। सख्त मिट्टी है और चिकनी मिट्टी है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसमें। मेहनत का काम है, क्या करे। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं वीडियो को। वीडियो को शेयर जरूर कर ले, तब भी किसी ना किसी को। ये देखिए ये पौधे हमने उखाड़े हैं, 1 घंटा लग गया पौधों को उखाड़ने में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नहीं भी करना तो आप छोड़ दें, जरूरी नहीं है। मेहनत लगेगी शायद आप लोगों को भी इतनी ही कि भाई चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेहनत लग गई इतनी, जितनी हम लोगों को इतने खोदने में लग रही है।